बहना मेरे ऊपर एक दुख को पहाड़ टूट गो है। खटपट है घर में का खटपट ब्यावा हुआ तब से आज तक ना भाई तुम्हारी सुन। फिर कहा बात है? बात ये है, बात को छूना है हमें रुवास आ रही है। अरे ऐसा क्यों? क्यों बोलो बोलो उदास काहे को कहा बात है बहना? उदास अब तू जाको कारण ना पूछे हमसे हूँ क्यों उदास है? तू जाको कारण हमसे ना पूछे हूँ काहे को उदास हूँ? अरे ओ उदास तो इतनी ही अब याद आते हैं। अरे इतनी काहे को रही हम रोए रही थी। छुपा दे छुपा दे। हाँ तू मत और अब बहना एक बात बताओ, सहेली सहेली जाई की होती दुख सुख में काम आन का जाए। अब तक हमने तुम्हारी बात कहू से कही ना, जो तो बात सही है लेकिन जाको तो कुछ निकले कोई नहीं। क्या मतलब? एक बात मैं बताऊं बहना तो? हाँ हाँ देख तूने मेरी काउ से ना कही तो एक बात मैं बताऊं? हाँ हाँ बोल बोल बोल। कितनी देर है? साढ़े चार साढ़े चार का समथिंग ले ले जा जाके बोलो। बात ये है बहना देख तूने मेरी ना कही तो मैंने भी तेरी ना कही। देख तेरी मैं बताऊं बाद ना पुष्पेंद्र भैया के नाम पे उनने ज्यादा जोर करो तो उनके नाम पे खाना खा ले गए। तू ईमानदारी से बताइए बांधा तू एक कटोरी खीर चुरा के लाई बता मैंने कहा उसे कुछ कही हूँ तुम्हारी। और मैं बताऊं तू जन्म की चोटिया और मैं बताऊं नहीं वो नहीं। एक बात बता तूने हमसे तूने हमारी ना कही हमने तुम्हारी ना कही। सो तो बात सही है लेकिन एक बात मैं बताऊं बहना बोलो जी कारण कुछ ऐसा कारण है हूँ तो को बता ना सकती हूँ। अरे देखो अड़ोसन पड़ोसन जाई के होती दुख सुख बांटन का जा। देखो अड़ोसन पड़ोसन दो कामन के लिए होती काय काय। देखो एक तो होती चुगली करवे के लिए इतने सल्ले पलंग कर दे। अच्छा और एक होती है दुख सुख बांटन के लिए। बहना आज तक हमने तेरी चुगली का उसे करी। मैं बहना एक बात बताना चाह रही हूं कहां कि दुख सुख की ना तक बात आई ना अब तक के माता बहनों को एक्सपीरियंस काफी अच्छा है। कैसे हम लोग तो नहीं कर पाए भाई बंधु तो नहीं कर पाते लेकिन जे लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं। अवेला ऐसा नहीं है अवेल कोई आएगी रोई भी भाई बात सही कह रही ना तुम्हारी सुन शांत बिठा लीजिए। एक बात मैं बताऊं बहना जी जो हमारे देवर थे ना देवर देवर क्या हुआ हमारे देवर प्रसन्न को बध है गए। और ये बहन कछु मालूम पड़ो मुंह में तो आवाज नहीं निकलती जब उन्हें याद आते तो रुवास निकलते हमारे कुछ मालूम पड़ो किन्ने बध कर दिया उनको सब मालूम पड़ गई है। अरे छह छह दिन आएंगे रोटी न पड़ रही है हमारे घर पे। अरे ओ हमारे बहना पहले आठ 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 लोटा मठा पी जाते अब चार ही लोटा में काम चला लेते हैं बारह बारह रोटी खाती छह रोटी में काम। अरे बेना बता बता मालूम पड़ो कौन बध कर दियो उनको बध द्वारिकाधीश कन्हैया ने कर दी। राम हिंदू धर्म जी जी करम हूं का करूं कछु देना हूं देख रही हूं ना तो वाली बच्चन अचना बच्चना खुचनिया नीति अभिनेतिया सुनतिया सबको लेके चली जाऊंगी मैं यहां पे। उन्ने घड़ा उठाओ बे बगल में दबाओ बे घर पे पहुंची और उन्हीं पड़ोसी ने घड़ा लाओ बे पे घर पे पहुंची घड़ा कुन्ना में रखो बे पड़ोसन उस घर में उसे पड़ोसन चकिया चला रही बे दौड़त भई गई। अरे जीजी अरे बहना अरे कोई है अच्छा गेट टूट जाएगा अरे कोई है गेट टूट जाएगा तू आ रहा अरे का चकिया चलाती है चकिया चला रही है बहना बहना लेकिन नमक होए तो दे दे तेरे घर पे नमक ही नहीं रहो देख लिए तू मेरे नमक लेके जा रही है याद रखी
जा जल्दी जा तू निकल के। बहना तुम्हें कुछ मालूम? मो कुछ ना मालूम, सब तुम्हें मालूम क्योंकि तुम घर घर की खबर रखती हो। बहना कुछ बात बताए भी आई तुम्हें? तुम्हें कुछ मालूम ना मो ये द्वारका में कैसे कैसे काम है रहे हैं? अरे होन दे मो को तो मो को अबे टाइम ना है तो चलो ना सुननी कोई बात ना, हम चलती हैं। बात सुनो, ज्यादा जरूरी बात है। अब तुम्हें सुननी ना है तो कोई बात ना, हम जा रहे हैं। अरे देखो सुननी है बताओ, हम तो ऐसे कर रहे। बिना काउ से कहो ना तो हम तुम्हें बताएं। ना ना ना, मड़ी के चक्कर में द्वारका दीश कन्हैया ने सत्रजीत के छोटे भैया प्रशांत को वध कर दियो है। बहना जी द्वारका में जे भी काम जी जी काम तो हूं का करूं, इकट्ठे कर लूं हैं हूं निकल ले रही हूं ना, तो हूं का करूं। जब द्वारका दीश कन्हैया जैसे ऐसे काम करेंगे तो हम तो का डेरी पे। महाराज मेरा कहने का मतलब यह है कि सुबह से दोपहर नहीं हो पाया द्वारका में, हर घर में ये चर्चाएं होने लगी कि मड़ी के चक्कर में कन्हैया ने प्रशांत को मार दिया। भैया काउ चीज को प्रचार कराना होवे ना, दस भैयन से ना गई हो, एक भैया तो कह दियो पीछे तक और कह दियो जब बात काउ से कही हो ना, फिर देखो कितनी जल्दी वायरल है। ये खबर कृष्ण को लगी कि मुझे दो सार पड़ हो रहा है, कलंक लग रहा है। भगवान ने सिपाहियों को साथ में लिया, उसे जंगल में पहुंचे, देखा है खून से लथपथ वस्त्र पड़े हैं, उसी के पास में शेर के पंजों के निशान पड़े हैं। निशान देखते हुए भगवान आगे बढ़े, क्या देखा है आगे बढ़े तो मरा हुआ शेर पड़ा है, उसी के पास में जामवंत ऋषि के पैरों के निशान बने हुए हैं। निशान देखते हुए भगवान आगे बढ़े, क्या देखा है उसी अंदर जब बड़े तो एक गुफा है, गुफा के बाहर ही सिपाहियों को भगवान ने खड़ा किया और भगवान अंदर गुफा में गए। अंदर था